वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में हम 4.3 कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एंड फार्मूला मेथड से। अभी जो प्रीवियस में हमने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी 4.2, उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, और इस एक्सरसाइज में हम परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 7x + 3 = 0। तो चलिए मैं इसी को पहले सॉल्व करता हूँ। 2x² - 7x + 3 = 0। तो देखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कोई इतनी टफ मेथड नहीं है और बहुत सिंपल मेथड है, अगर आपने उसमें कुछ दो तीन कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रख लिया तो। पहला कंसेप्ट ये होता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी कितना 2 लिखा है, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड y 2 से डिवाइड करूंगा तो जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। तो इसी के साथ आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1, और यही हमें चाहिए था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब करते क्या, पहला काम हो गया एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। अब दूसरा काम, हम मिडिल टर्म को देखते हैं। किसको देखते हैं, मिडिल टर्म को। करना क्या होता है सुनिए, जो मिडिल टर्म है इसका हाफ करो, हाफ द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को आधा करना है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 4 का हाफ कितना होता है, आप कहेंगे सर 2। मैं कहा आपकी 10 का हाफ कितना होता है, आप कहेंगे 5। मींस आप क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो 7/2 को भी 2 से डिवाइड ही करेंगे आप, 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, अपॉन में 2 लगाएंगे तो आप सोचते हैं कहाँ 2 पहुँचा है। तो बेटर है 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात वही है। तो क्या हो जाएगा आपके, 7/4 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ दी मिडिल टर्म, ध्यान रखिएगा बिल्कुल दिमाग में, हाफ दी मिडिल टर्म। अब इसको मिडिल टर्म जो हाफ किया था उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा 49/16 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब बस इसी को आपको एक बार ऐड करना है और इसी को एक बार आपको सब्ट्रैक करना है, बस हो गया। क्या करना होता है, तो मैं लिख देता हूँ -7/2x प्लस करेंगे 49/16 और माइनस करेंगे 49/16 प्लस 3y2 = 0। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कोई 1 नहीं है, अगर कुछ नंबर लिखा हो तो उस नंबर से डिवाइड कर दो। फिर जो मिडिल टर्म होती है, बीच वाली जो टर्म होती है, उसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो जो भी हाफ आया उसका स्क्वायर कर दो, हाफ का स्क्वायर करके ऐड करना है पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट मिड टर्म के बाद, हमेशा इसी तरीके से होगा। तो जो पहली 3 चीजें होती वो क्या बनेंगी, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस। अगर यहाँ पे जो साइन है मिडिल टर्म का माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। हाफ करने में कितना है, 7/4, तो हाफ लिखेंगे और उसका स्क्वायर। जी आपका क्या बना, ये एक्स, और ये प्लस का माइनस का साइन था, माइनस प्लस का होता तो प्लस लगाते, 7/2 का हाफ 7/4, उसका होल स्क्वायर। जो हाफ करने पाए तो उसका मतलब होल स्क्वायर बन जाता है। अब आप इसको ओपन कर कर देखेंगे तो तीनों स्टेप बनेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एलसीएम आएगा, तो माइनस का 49, 2 8 16, तो प्लस कितना, 8 टाइम्स गया तो 8 3 24, तो माइनस का 25/16 बचेगा, इक्वल्स टू में क्या बच रहा है, 0। आपको मैं एक बात बता दूं, हमेशा यहाँ पे चीज माइनस का ही बचेगा, हमेशा माइनस का बचेगा। अगर प्लस का बच रहा है मतलब आपने कोई गलती कर दी, यहाँ पे हमेशा माइनस का ही बचना चाहिए। तो आपको जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5/4 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, a² - b² क्या होता है, a+b और a-b, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाने का यही रहता है, बस ये फॉर्मूला बनाना है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये आपका x - 7/4 + b, तो +5/4 है ना, और हो जाएगा x - 7/4 - 5/4 = 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व चाहो तो बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 7/4 + 5/4 = 0, और करके लिखेंगे x - 7/4 - 5/4 = 0। उधर ले जाएंगे तो x कॉस्ट हो जाएगा +7/4 - 5/4, और यहाँ पे x कॉस्ट दोनों ही प्लस के हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप एलसीएम आएगा वही आपका 4, तो 7-5 तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/4, 2 1 2 2 2 4 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यह सॉल्व करें तो x कॉस्ट हो जाएगा 4 एलसीएम 7+5, तो x कॉस्ट हो जाएगा 12/4, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, बेसिकली एक बार और समझ लीजिए, जो पहली जो इक्वेशन गिवन है उसको जो कोएफिशिएंट उसका लिखा है उससे उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, फिर इसके बाद वन होना चाहिए मतलब, फिर इसके बाद आपका जो भी मिड टर्म है उसको हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर करेंगे, जो भी स्क्वायर है उसको ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है, पहली तीन टर्म ये बनेगी और बाकी इसको हमेशा माइनस का साइन आएगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है। तो ये पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका होता है करने का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² + x - 4, ये आप कर लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जैसे ही उन्होंने रूट देखा, क्या देखा उन्होंने, रूट, और उन्हें हो गई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो रूट वाला क्वेश्चन मैंने, हालांकि है कुछ भी नहीं है, जो हमने जो स्टेप्स जो फॉलो करनी है वो ही है, बट क्या करें बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटाऊंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, x² + √3x + 3/4 = 0। अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हाफ करेंगे, तो √3/2 का हाफ, हाफ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4, तो जाएगा x² + √3x + करेंगे आपका 3/4, माइनस भी करेंगे 3/4, और प्लस 3/4 = 0 लिखा हुआ है। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, पहले ये तीन जो स्टेप है ये क्या बनाएगा, x कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस, हाफ करने में कितना था, √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो गए, जी हाँ इक्वल थे, कैंसिल हो गए, हमारा काम और आसान हो गया बस। तो आप लिख सकते हैं x + √3/2 और x + √3/2 = 0, तो जाएगा x + √3/2 = 0 और x + √3 = 0, तो आंसर क्या जाएगा, x = −√3/2 − √3/2, तो दोनों ही आपके इक्वल आ गए। तो ये बिल्कुल और भी सिंपल क्वेश्चन, देखो रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, बल्कि रूट वाला क्वेश्चन ही बहुत ईजी था। तो आया समझ में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कहेगी, इन्हीं क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, किससे सॉल्व करो आप, फॉर्मूला मेथड से। तो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं बताया, सेकंड और फोर्थ, इसको मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, आप जानते ही हैं ax² + bx + c, ये क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसका फॉर्मूला होगा रूट्स के लिए x = 2, ध्यान से देखो और याद करना है आपको ये फॉर्मूला, −b + √b² − 4ac/2a। देखने में जितना हवा और बड़ा लग रहा है उतना आसान है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, −b + √b² − 4ac/2a, ये आपका फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व जब भी करना है तो ऐसे ही करना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूँ, क्या लिखा है, 2x² + x − 4 = 0, तो इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2, है जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या है, a, और जो b x का कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका, b, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना, 1 है, और जो c है वो c है, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हम रूट्स निकालेंगे तो x का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस b की वैल्यू कितनी, 1 + −√ b मतलब 1 का स्क्वायर, −4 a की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है, −4/2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, −1 + −√ 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, −−+ 4 2 8 8 2 4 2 8, और 8 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 8 4 4 2 8 और 8 4 32 / 2 1 2, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक मैं अगर x = 2 करूँगा तो −1 + −√33/2 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेकिंग दो को प्लस और माइनस का साइन लगा, तो एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है,
तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 2, यही रूट्स है, और ये एक्स कॉस्ट हो जाएगा माइनस वन माइनस रूट 33 अपॉन में 2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपली हमने क्या करा, 2x स्क्वायर माइनस को पहले कंपेयर करा, ए बी सी की वैल्यू ली और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक आने जब एंड आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ये इसका स्क्वायर रूट निकल रहा होता है 33 का तो कुछ होता ही नहीं है, अगर ये सपोज 36 हो जाता तो 36 का कितना 6 होता, तो हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन, तो दोनों आ जाएंगे आपके सॉल्व होके। तो इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन था ये हो गया आपका फिनिश। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी साथ 4.3 के जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड था वो मैंने खत्म कर दिया है। अब जो इसके थ्योरिकल क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं सबके क्या मिलें, नोटिफिकेशन मिलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।